आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर और यही आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली के सभी लोग यानी कि आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे और बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। आज बात करने वाली हूँ हेयर फॉल की। अगर आपके भी बाल कभी कंघी में तो कभी बाथरूम में तो कभी तकिए पर नजर आते हैं या कभी खाने में नजर आते हैं और बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे तरीके अपना के, बहुत सारी दवाइयाँ खा के आप थक चुके हो, तो आज जो आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ वो इन सभी रेमेडीज पर हावी होने वाला, बिकॉज ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है कि ये बाल्ड पैचेस पर भी, जी हाँ, बाल्ड पैचेस पर भी बाल उगा सकती है, हेयर फॉल को 100% कंट्रोल करती है। बस इसे यूज करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। जी हाँ, बालों को घना भी बनाएगी ये रेमेडी और बालों का कालापन लंबे समय तक बरकरार रखेगी। हेयर फॉल तो रुकना ही है। क्या है ये रेमेडी? ये रेमेडी है ये सरसों की खली। जी हाँ, ये आपके बालों के लिए किसी राम बाण से कम नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाओगे तो आज भी इस रेमेडी का उपयोग किया जाता है और उन लोगों के बाल अगर आप देखोगे तो इतने घने, इतने मुलायम, इतने लंबे आपको मिलेंगे कि आपको खुद हैरानी होगी, और वो यूज करते हैं सिर्फ सरसों की खली। जी हाँ, इसका 100% फायदा मिलता है आपके बालों को। किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी और नहीं मिले तो ऑनलाइन ले लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सरसों की खली आपको लेनी है। इसमें क्या होता है जो इतनी बेनिफिशियल है? इसमें होता है मैग्नीशियम। इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को चाहिए, जो हमारे को डाइट से नहीं मिल रहे, जो हमारे को दूसरी चीजों से नहीं मिल रहे, वो मिनरल्स इसमें होते हैं। साथ ही साथ इसमें होता है फॉलिक एसिड जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें होता है बालों को बनाने वाला केराटिन जो कि बालों के निर्माण में सहायक होता है। बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों की काया पलट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आपके बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं तो बालों के कालेपन को भी लंबे समय तक बरकरार रखती है ये सरसों की खली। जी हाँ, इतनी फायदेमंद है और आज हम इसका उपयोग भूल चुके हैं। हैरानी की बात ये है। तो इसका यूज करना है, कैसे यूज करना है देख लीजिए। आपको ये थोड़ी सी सरसों की खली लेनी है, इस तरह के रूप में आपको मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसे आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेना। उसके बाद मिक्सी में डाल के आपने अच्छे से इसे पीस लेना। इस तरह का पाउडर आपको सरसों की खली का मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास पानी पैन में रखना है और उसमें आपने दो तीन चीजें डालनी है जिसमें आपने इसको घोलना है, वो पानी तैयार करना है। क्या डालोगे? सबसे पहले डालोगे मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। बालों के टूटने को रोकता है। ये क्या करता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स खुल चुके हैं यानी बालों की पकड़ जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी है, इन हेयर फॉलिकल्स में लूज होके बाल टूट रहे हैं, तो उन हेयर फॉलिकल्स को, उन हेयर शाफ्ट्स को टाइट कर देता है ताकि वो बालों को पकड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये काम है मेथी दाने का, यानी कि आपके बालों की जड़ों को स्ट्रांग बनाता है, स्कैल्प पर कोई भी इन्फेक्शन हो उसको दूर करता है क्योंकि उसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मेथी दाना बालों का कालापन भी लंबे समय तक बरकरार रखता है। तो एक चम्मच मेथी दाना डालेंगे पानी में और दूसरी चीज हम डालेंगे अदरक। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, कद्दूकस कर लिया है, ये मैं पानी में डाल रही हूँ और इसे उबलने देंगे। कितनी देर के लिए उबलने देंगे? तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, जब तक कि पानी आधा नहीं हो जाता। उसके बाद हम पानी को छान लेंगे, एक बाउल में ले लेंगे और ये जो सरसों की खली हमने पीसी थी उसमें ये पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी, अच्छे से मिलाएंगे, गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट अब आपको अपने बालों में लगाना है, स्कैल्प में भी लगाना है और बालों की लेंथ में भी लगाना है। जिनके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी रहते हैं, रूखे सूखे रहते हैं, बेजान रहते हैं, वो ये रेमेडी अगर बालों में लगाएंगे बालों की फ्रिज खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। हफ्ते में एक बार भी यूज करोगे ये रेमेडी तो चलेगा। इतनी इफेक्टिव है कि 2-3 बार बाल धुल जाएं तब तक असर रखती है, लेकिन आपके बालों की जड़ों को भी स्ट्रांग करती जाती है, आपके बालों की फ्रिज को धीरे धीरे खत्म करती जाती है। रेगुलरली इसको 2-3 महीने यूज कर लेना, हेयर फॉल तो खत्म होना ही है, बालों की अलग ही काया पलट हो जाएगी। तो इस तरीके का पैक बन गया, लगा लिया अच्छे से, 1 घंटे के लिए लगा के रखना है और उसके बाद आप शैम्पू कर लेंगे। ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट रेमेडी। इसको यूज करने का एक और तरीका भी है, वो क्या तरीका है वो भी ध्यान से देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको
इस सरसों की खली को एक ग्लास पानी में डालना है, उबालना है। साथ में ही दो तीन चीजें और डालनी है और वो है एक चम्मच कॉफी, आधा चम्मच राइस और थोड़े से नींबू के छिलके। इनके साथ आप सरसों की खली को उबाल लेंगे। जब आप उबाल लेंगे तो ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा इस तरीके का। छान लेंगे आप इसको, छान लेंगे तो ग्रैन्यूल्स वगैरह नहीं आएंगे, आपको एक्सट्रैक्ट मिल गया। अब आप इसमें अपना फेवरेट शैम्पू ऐड करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी में आप शैम्पू लेते हैं इसमें ऐड करेंगे। इस सॉल्यूशन से आपको शैम्पू करना है बालों में, मतलब नॉर्मल शैम्पू नहीं करना, शैम्पू को इसमें डाल के आपने बालों को इससे धोना है। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। बस एक दो मिनट के लिए शैम्पू करते हुए इसे बालों में लगाना है और उसके बाद आपने बाल धो देने हैं। एक दो मिनट में ये रेमेडी इतना कमाल आपको, आपके बालों को देने वाली है, इतना रिजल्ट आपके बालों को देने वाली है, आप खुद हैरान रह जाओगे। तो ये दो तरीके हैं इस रेमेडी को यूज करने के। आप इसे यूज करिए, एक महीना मिनिमम यूज कीजिए। वैसे तो रिजल्ट आपको एक बार के एप्लीकेशन से मिल जाएगा, आपके बालों की हेल्थ वापस आ जाएगी। बालों का गिरना, अगर 100 बाल गिरते थे तो फर्स्ट ही एप्लीकेशन के बाद केवल 10 ही बाल गिरेंगे, इतनी इफेक्टिव है ये रेमेडी। लेकिन कंप्लीट जिसे कहते हैं हेयर फॉल का रुक जाना, वो एक डेढ़ महीने में आपको मिल जाएगा। तो इसको ट्राई करना है। साथ ही साथ दही जरूर खानी है डेली बेसिस पर, आंवला जरूर खाना है, चाहे आंवले का मुरब्बा खाइए, चाहे आंवले का जूस पीजिए, चाहे कैंडी खाइए, चाहे उसका अचार खाइए। आंवले को किसी भी रूप में आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। दही, आंवला और अच्छा वाला प्रोटीन, आप सोया प्रोटीन ले या फिर आप टोफू ले या फिर आप सोया को एज अ प्रोटीन सोर्स यूज कर सकते हैं, और या फिर आप दालें खूब सारी खाएं। तो डाइट पूरी हो, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, नींद पूरी लेनी है और तीसरी चीज ये रेमेडी यूज करनी है। और एक चीज जो हमारे बालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है हवा। जी हाँ, अगर आप बालों को बिल्कुल कवर करके रख रहे हो, स्कार्फ वगैरह डाल करके रख रहे हो, टोपी पहन रहे हो या पूरा दिन हेलमेट पहनते हो, आपके बालों को भी हवा उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपको सांस लेने की जरूरत है। तो इसलिए बालों को हवा लगना बहुत जरूरी है और सन भी बहुत जरूरी है। विटामिन डी की अगर आपके शरीर में कमी है तो बाल गिरने ही गिरने हैं, उनको गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मेक श्योर कि विटामिन डी आपको सही मात्रा में मिल रहा हो। पहले तो अपना विटामिन डी चेक करा लेना अगर बाल गिर रहे हैं। अगर कमी है तो एक तो 15-20 मिनट धूप लेनी शुरू कर दो, दूसरा मशरूम अपनी डाइट में शामिल करो, उसमें काफी अच्छी अमाउंट में विटामिन डी होता है, और तीसरी चीज आप कोई सप्लीमेंट ले सकते हो विटामिन डी का। तो ये तीनों चीजें आपने करनी है। विटामिन डी 100 में से 80 लोगों का कम होता है, इसलिए सबके बाल गिर रहे हैं आजकल, जिससे पूछो उसके बाल गिर रहे हैं क्योंकि विटामिन डी नहीं बन रहा शरीर में। तो ये चीजें आपने करनी है जो मैंने आपको बताया है। अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, हफ्ते भर में आपको रिजल्ट मिलेंगे और एक से डेढ़ महीने में आपका हेयर फॉल 100% रुक जाने वाला है, बशर्ते कि आपका विटामिन डी लेवल ठीक हो और आप सही डाइट लो, स्ट्रेस बिल्कुल ना लो, ये रेमेडी यूज करो, नतीजे मिलेंगे। तो यूज करना बिल्कुल बनता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगी अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।